दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो हमको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। राष्ट्रकवि दिनकर की ये पंक्तियां आज के हालात पर और विशेषकर लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर 100% सटीक बैठती हैं। वही लोकसभा स्पीकर का चुनाव जो आजाद भारत में पहली बार होने जा रहा है, और वही लोकसभा स्पीकर का चुनाव जो नरेंद्र मोदी के खोखले दावे, उनके खोखले शब्द जैसे कि समन्वय, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेटिज्म, ये सब बनाने की बातें करता है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी ओम बिरला जी को बनाया है। ये वही ओम बिरला जी हैं जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं एक सत्र में 100 के करीब विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है विपक्षी सांसदों के माइक बंद कर देने का, जिन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है कि जब 14 मिनट राहुल गांधी जी वक्तव्य देंगे तो 11 मिनट ओम बिरला जी खुद को दिखाएंगे संसद टीवी पर। तो ऐसे ओम बिरला जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इधर विपक्ष ने 8 बार के चुने हुए सांसद दलित शोषित वंचित समाज से आते हैं कोडिकुनल सुरेश जी, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। ये वही के सुरेश जी हैं जिनकी बीजेपी ने अवहेलना करी थी। सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य हैं 18वीं लोकसभा के, लेकिन उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया था। कुछ लड़ाइयां लड़नी जरूर होती हैं जिससे कि सनद रहे कि कौन लड़ रहा था अन्याय के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ और ऐसे लोगों के खिलाफ जो संसदीय परंपराओं को और लोकतंत्र का हर दम, हर वक्त, हर मोड़ पर दम घोटने के लिए तैयार है। और इस लड़ाई को लड़ने की ताकत, हौसला और हिम्मत हमें देश की जनता ने दी है, इसीलिए हम मूक दर्शक बने नहीं बैठ सकते हैं। तो अगर 1946 के बाद पहली बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा तो वही सही, क्योंकि अन्याय को सहना अन्याय करने से ज्यादा बड़ा पाप होता है।